तो नमस्ते दोस्तों, आज हम लेके आए हैं नया वीडियो आपके लिए। और वीडियो है शुद्ध राजस्थानी देसी भोजन और देसी तरीके से पकाया हुआ। कल हम गांव गए थे और गांव से खेत में जा कर के हम कुछ देसी सब्जियां लेकर के आए थे, और जो प्रसिद्ध राजस्थानी सब्जियां हैं और उनको देसी तरीके से, बिल्कुल देसी तरीके से किस तरह से बनाया जाए, क्या तरीका है और कौन सी वो सब्जियां हैं, तो देखिए आज के इस वीडियो में। और ये है मिस्टर ध्रुव, है बहुत बदमाशियां करता है, तो चलिए देखते हैं ये नया वीडियो आज का। लेकिन इससे पहले, आप अगर इस चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड चैनल पे हो तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो पूरा देखना, बहुत ही आनंद आने वाला है। राजस्थानी सब्जी तैयार कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये है चौंले की फली, राजस्थानी चौंले की फली जिनको मोठ बोलते हैं। ये कल हम खेत से लेके आए थे, गांव गए थे और गांव से खेत से लेके आए हैं। ये इधर पायल मुंह निकाल रही है, पायल छील रही है इधर, और अरे आवाज मत कर तू। और ये फलियां कुछ पकी हुई हैं, मोटी हैं, इनके अंदर से ये दाने निकाल लिए हैं। और इसकी रेसिपी बताएंगे हम आपको कैसे इसकी सब्जी बनती है। ये प्रसिद्ध सब्जी है, साथ में इसके ये काचरा, काचरे और मोठ की चवले की फली की सब्जी बनेगी। ये बहुत ही प्रसिद्ध सब्जी है और इसका टेस्ट और स्वाद और इसकी बनाने की विधि भी हम आज आपको, हम खुद ही बनाएंगे, बताते हैं आपको। और स्वादिष्ट है। और क्या है, कहाँ से लाए थे? हाँ? खेत में से उगे से लाए थे। अच्छा, सब्जी कौन बनाएगा आज ये? पायल ये बनाएगा है पायल मासी और इधर इधर आ जाओ। क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या है ये? सब्जी कौन, काय की फली है, मोटी मोठ की फली है, क्या बनाओगे आज? इनकी अच्छे से सब्जी बैठ, अच्छे से बैठ। इनकी सब्जी बनाएंगे। कौन बनाएगा? नानी नानी बनाएगी। और ये फाइल क्या बनाएगी? तो फ्रेंड्स, ये हैं राजस्थानी मोठ, जिनको चौंला बोलते हैं, चौंले की फलियां हैं। ये थोड़ी पकी हुई हैं, अभी पकने के कारण से इनके बीज निकाले जा रहे हैं, और इनके अंदर से जो बीज निकले हैं, मोठ निकले हैं, उनकी सब्जियां, ककड़ी जिसको छोटा रूप होता है, कांचरे, उसके साथ सब्जी बनाई जाएगी। वैसे ही अगर ये कच्ची होती तो साबित फलियां ही सब्जी में डाली जाती हैं। तो इनको देखिए छीला जा रहा है अभी, और छील करके इनके अंदर से बीज निकाले जा रहे हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है ये। और बनाने का जो तरीका है इसका, वो मैं बताऊं। ये देखिए आप, मिर्चें, चिल्ली पत्थर पे पीसा जा रहा है इनको, एकदम देसी तरीका। यही कारण है कि गांव के लोगों की सेहत का राज भी यही है। तो इस प्रकार से पैक्ड फूड से बचना चाहिए जहाँ तक हो सके। हम संपूर्ण मसाले घर पे ही तैयार करते हैं और उसका टेस्ट और स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो ये मिर्चें पीसी जा रही हैं, देखिए तैयार तैयारियाँ हो रही हैं सब्जी की। और ये लहसुन की कलियां हैं,
इन कलियों को अभी इसमें मिर्चों के साथ ही पत्थर पे ही पीस लिया जाएगा अभी, ये देखिए। और ये लहसुन मिर्च का पेस्ट तैयार हो रहा है अपने लिए, और ये तैयार है। चूल्हा जल चुका है सब्जी के लिए, बिल्कुल देसी चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा और उसमें लकड़ियों की आग, गैस वैस का प्रयोग बिल्कुल नहीं है। इस तरह से देसी तरीके से खाना, लकड़ियों पे खाना बनाने का आनंद ही कुछ और है। उसका स्वाद वास्तव में बढ़ जाता है, हेल्दी भी होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक फूड अपनाइए और बीमारियों से बचिए। ये सारे मसाले हैं, और मैडम जी ने तेल में ये मिर्चियाँ और मसाला डाल दिया है, ये पक रहा है। और देखिए आगे बनाने की इसकी पूरी विधि। और ये अपनी सब्जी तैयार, ये रेसिपी तैयार हो चुकी है बिल्कुल। सब्जी पककर तैयार है, कलर देखिए आप सब्जी का इसका। ये कमाल सिर्फ घरेलू मसाले यूज करने का है जो घर पे तैयार किए गए हैं, वरना इसके सामने सब देगी मिर्च का तड़का, एवरेस्ट का लाल तीखा, ये सब फैल है इसके सामने। तो जहाँ तक हो सके घर पे मसाले तैयार कीजिए। तो लीजिए अपनी सब्जी और भोजन तैयार है, और अब अपन इसका जायका देखते हैं। वैसे राजस्थानी भोजन के ठाट हैं, सब्जी मोठ की फली की सब्जी, साथ में काचरी और ये दही और ये रोटियां, साथ में गंवार फली और होती तो आनंद आ जाता। यही तो है राजस्थानी भोजन का आनंद। ये है राजस्थानी देसी भोजन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें और शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।